मैंने देख ली, आप सब भी देखिए। थैंक यू। फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है, कुटुंब के बारे में पिक्चर अच्छी बनी है। पिक्चर इतनी अच्छी है कि पूछो मत, और पिक्चर का तो कोई लाभ जवाब नहीं। गाने भी बहुत अच्छे हैं, पिक्चराइज बहुत अच्छा किया है, और कैमरामैन भी बहुत अच्छा है, और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। इट्स अ वेरी गुड मूवी, और ये पिक्चर की सुपर हिट पिक्चर जाएगी। फिल्म कुटुंब मैंने देखी आज, मुझे बहुत अच्छी लगी, और लास्ट में फिल्म के एंडिंग के टाइम पे तो मैं रोने लगा। रोने इसलिए लगा कि ये परिवार की कहानी है। जो लोग भी परिवार से रिलेटेड होंगे, जो भी फैमिली से रिलेटेड होंगे, जिनके परिवार में भाई होगा, जिनके परिवार में भाभी होगी, जिनके परिवार में ढेर सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े होंगे, और थोड़ा इमोशनल स्टोरी है, उनको ज़रूर अच्छी लगेगी। गाने इसके इतने बेहतरीन गाने हैं जो आर्यन जैन जी ने दिया हुआ है। कुटुंब का टाइटल सॉन्ग है और फैमिली का है, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छी है। पारिवारिक मूवी है, बहुत ही टाइम के बाद कोई ऐसी मूवी आई है जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हो। बहुत ही कनेक्टेड है, स्पेशली लास्ट सीन तो इतना इमोशनल है, मैं तो रो पड़ी क्योंकि फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं। गाने भी बहुत, कुमार सानू जी बहुत दिनों के बाद उनके गाने सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। दंगल काफी अच्छा था, उसमें एक कॉमेडी था, फनी था। हाँ, कॉमेडी सीन्स अच्छा भी है बीच बीच में, जो छोटे छोटे चुटकुले से हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस। राजपाल जी का गाना बहुत अच्छा लगा। बहुत साल बाद मुझे एक ऐसी मूवी देखने का मौका मिला है जिसमें एक संयुक्त परिवार की जो खूबियाँ हैं उसको इस तरह से उन्होंने दिखाया है। हालांकि मैं भी इस तरह की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गाँव भी मेरा रूट है, लेकिन सालों बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे घर के, मेरे गाँव की अपनी कहानी है। एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, कैसे परिवार को एक साथ रखा जाता है और कैसे एक छोटे परिवार से इतनी कुर्बानी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा संगीत है इस फिल्म का, और बहुत अच्छी और बेहतरीन फिल्म है मेरे हिसाब से। अगर इस मूवी के अंदर जो देख रहा होगा, जो व्यूअर होगा, अगर पत्थर दल इंसान होगा तो उसको आंसू नहीं आएंगे, और अगर भाई सॉफ्ट हार्टेड बंदा हुआ वो एक बार नहीं कम से कम 10 बार रोएगा। और जो फैमिली से प्यार करता है, अपने भाइयों से प्यार करता है, उनके लिए सबसे बड़ी मूवी है, और एक बॉन्डिंग है ये, एक मैसेज है इस समाज को देने के लिए कि अपने आप में कभी एक जो ब्लड रिलेशन होता है उससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता। सबसे बड़ी बात मैं इस मूवी के लिए ये कहूँगा। कुटुंब की जो प्रथा है ऑलमोस्ट इंडिया में, शहरों में तो पर्टिकुलरली डिके हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो इस तरीके की इंस्पिरेशनल अगर फिल्में बनती है तो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आता है। और इंडिया का तो कल्चर ही है फैमिली फर्स्ट, तो हमें तो मेरे ख्याल से इस तरीके की फिल्मों को बढ़ावा देना ही चाहिए। परिवार को यूनाइट करने के लिए अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। हाय गाइस, दिस इज अ वेरी ऑसम मूवी। इट्स कुटुंब की फैमिली, इट्स वाइज लाइक संस्कारी टाइप, एंड लाइक यू गाइस लाइक इट, सो प्लीज गो एंड वॉच द कुटुंब मूवीज। So, all the best, all team, God bless you. ये मूवी देखिए, एक नहीं दो बार नहीं, बार बार देखिए। ये सब्जेक्ट है ना, आजकल के हिसाब से जो फिल्में बन रही हैं कंटेंट बेस्ड, तो कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। फैमिली ड्रामा है तो वो भी बहुत अच्छी है, सोशल ड्रामा सब पसंद करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और प्लस म्यूज़िक जो आर्यन जी ने किया है बहुत अच्छा है, और उसमें वैरायटी काफ़ी, अलग अलग तरह के गाने, क्योंकि मैं खुद सिंगर हूँ, एक म्यूज़िक के लिए मेरा जो रिव्यू है वो बड़ा अच्छा है, मुझे गाने अच्छे लगे। और में जैसी मूवीज़ बन रही उस लीक से हटकर एक ऐसी मूवी जो एक परिवार को एक साथ जोड़ के रखने की, फिर उसमें से एक किरदार के, एक परिवार में सदस्य को अब शहर जाके एकदम अलग तौर पे पेश करने की, और उसके बाद परिवार को फिर भी आखिरी में अंत में साथ में जो रहकर एकजुट बनाकर जो दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। डायरेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पेश किया है जनता के सामने। मूवी मुझे बहुत अच्छी है। लोग जानते हैं कुटुंब नाम से ही पारिवारिक फिल्म झलकती है, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाया है श्याम अवतार केडिया जी ने। उन्होंने एक और फिल्म, हिंदी फिल्म बनाई थी जो सक्सेसफुल रही, और ये भी फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मैं अभी फिल्म देख के जस्ट निकला हूँ। इस फिल्म में राजपाल यादव जो नज़र आ रहे हैं मेहमान भूमिका में, बहुत अच्छा है, उन्होंने भी काम किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस फिल्म को पूरा ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट किया है शकील हाशमी और नगमा खान ने, उन दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं कि पूरे
कई सिनेमा घरों में कल से आपके धूम मचाने वाली फिल्म, आप लोग भी फिल्म को एक बार जरूर देखें। मुझे ये कुटुंब द फैमिली बहुत अच्छी फिल्म लगी। बहुत देर बाद ऐसी फैमिली फिल्म आई है आजकल, जो कि अजीब सी फिल्में चल रही है तो उस टाइम पे अभी फैमिली फिल्म मतलब एक हिसाब का रिस्क है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, डिफरेंट भी होना चाहिए अपने सिनेमे में, होता रहना चाहिए। जी बेस्ट पार्ट ये लगा कि इन्होंने एक गांव की कहानी और एक आज की जिंदगी की कहानी, जो कि शहर की जिंदगी की कहानी है, उन दोनों को क्लब करके बनाया, तो दोनों को जिस तरीके से क्लब किया है, दोनों लाइफस्टाइल मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और अभी आगे देखते हैं, अभी तो इंटरवल हुआ, इंटरवल तक की कहानी बहुत अच्छी लगी। और एक इसका गाना है जाने क्यों इज वेरी कैची। हाँ फिल्म इज नाइस, क्योंकि एक्चुअली परिवार की पिक्चर नहीं आती स्पेशली गाँव की, इट्स लाइक रियल स्टोरी, वी डोंट नो अबाउट देम कि लाइक अब माँ बाप अपने बच्चों को बेचते हैं या भाई बहन अपने बच्चों को अपने भाई लाइक बेचते इधर, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको कितना सेक्रीफाइस होता है, वो सब स्टोरी दिखाई है। इट्स लाइक अ लेसिंग, लाइक इट्स अ गुड फिल्म।